अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम पढ़ेंगे मॉडर्न यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन टूडेज लाइफ, जिसमें हमारे पास सब टॉपिक्स हैं मोबाइल कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेटा सेंटर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है? इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, नॉट ओनली डेटा बट वॉइस, वीडियो वाया एनी वायरलेस इनेबल्ड डिवाइस। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि इट रेफर्स टू अ वेराइटी ऑफ स्मॉल पोर्टेबल डिवाइसेस सच एज शोन इन फिगर 1.8, जिसे इस तस्वीर में दिखाया गया है, दैट अलाउज पीपल टू एक्सेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी वेयर इन अ वायरलेस नेटवर्क सिस्टम, मीन्स विदाउट फिजिकल कनेक्शंस। वायरलेसली हम अगर डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं बिटवीन टू डिवाइसेस, तो वो आ जाता है मोबाइल कंप्यूटिंग में। मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस रन ऑन बैटरीज एंड हैव लिमिटेड फंक्शनैलिटी एज कंपेयर टू लैपटॉप्स। मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटिंग डिवाइसेस आर टेबलेट पीसीस, पीडीएस एंड स्मार्टफोन्स। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आता है, इट रेफर्स टू बिलियन ऑफ फिजिकल डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट कलेक्टिंग एंड शेयरिंग डेटा, के बहुत सारे फिजिकल डिवाइसेस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया जाए और वो आपस में एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन करें, एक्सचेंजिंग ऑफ डेटा करें। ठीक है, जस्ट लाइक जितनी भी दुनिया में तरक्की हो रही है कि स्मार्ट हाउसेस हैं, ठीक है, जिनके अंदर अगर हम अपने रिमोट डिवाइस से हम उन घर का एयर कंडीशन ऑन कर सकते हैं, और स्मार्ट रेफ्रिजरेटर हैं कि जिस भी चीज की अगर उसमें कोई कमी हो जाती है कि हम आउट ऑफ स्टॉक जा रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें कोई इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हमारी डिवाइस पे बताई जाए। तो हम कह सकते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग इज द इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क एंड फिजिकल डिवाइसेस to collect and exchange data. Device used in daily life can be equipped with wireless connectivity and embedded with softwares, sensors, actuators, cameras, microphones. ये technology इनमें इस्तेमाल की गई है, and other instruments that enable them to collect and share data. All kinds of household atoms can be modified to work in an Internet of Things system. These devices are known as smart devices. It is the level of digital intelligence to the devices that allows them to communicate with devices and other machines. And they are designed in such a way that can interact with human being through wireless connection. With human being or as well as machine to machine communication through wireless connection. Smart home is the popular application of Internet of Things. In future, Internet of Things will allow us to switch on air conditioning before reaching home or switch off lights after leaving homes. There are homes equipped with various types of electronic devices that can be controlled remotely with smartphone or computers through IoT systems. तो IoT system से आपकी जो devices हैं वो smartly interact करती हैं। आगे हमारे पास cloud computing. Cloud computing means instead of buying and installing your own computer system and software at your workplace, you can get it as a service provided and managed by another company. तो स्टूडेंट्स, इसमें आता है कि जैसे YouTube हम इस्तेमाल करते हैं, हम बहुत Google इस्तेमाल करते हैं, हम बहुत सारी फैसिलिटीज जो हैं जो ऑनलाइन हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम इंटरनेट कनेक्शन के जरिए हमें प्रोवाइड की जाती हैं, जिनके लिए हमें कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर हमें अपना खरीदना नहीं पड़ता, जस्ट हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो हम तमाम YouTube की जितनी भी वीडियोस हैं वहाँ से हम कोई भी वीडियोस देख सकते हैं, Google से कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। ठीक है,
तो जितनी फैसिलिटीज हम ऑनलाइन इस्तेमाल करते हैं वो आती हैं दैट आर लाइक अ क्लाउड कंप्यूटिंग. यू कैन परफॉर्म योर कंप्यूटिंग टास्क थ्रू एक्सेस टू सर्विस ओवर द इंटरनेट. इंटरनेट के जरिए हम तमाम ये सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं. इट डज नॉट मैटर वेयर द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज लोकेटेड. जस्ट लाइक यूट्यूब की डेटा कहाँ पड़ी है, गूगल की डेटा कहाँ पड़ी है, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं होता. इट डज नॉट मैटर वेयर द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज लोकेटेड. इट जस्ट समवेयर इन द क्लाउड. जैसे कहीं से ये क्लाउड में जस्ट इंफॉर्मेशन पड़ी है, इट इज द वे ऑफ आउटसोर्सिंग योर कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट. और आपकी कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं. ठीक है, उसके लिए कोई हमें हार्डवेयर नहीं चाहिए, उसके लिए हमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए. जस्ट हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होता है और हम कोई भी डेटा इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं. एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इज दैट यू डोंट हैव टू बाय एंड मेंटेन अ कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिस्टम. क्या आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिस्टम बाय करने की जरूरत नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल अगर देखें देखा जाएगा, अगर यूट्यूब में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, अगर वो हमारे सिस्टम पे रखनी होती तो हमें कितनी बड़ी मेमोरी चाहिए अपने सिस्टम की. ठीक है, तो इस तरह से हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम लेने की जरूरत नहीं होती. जब भी हमें चाहिए हम थ्रू इंटरनेट कनेक्शन एक्सेस कर सकते हैं. दिस कट्स कॉस्ट ऑफ बाइंग कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स. बिसाइड यू आर नॉट वरीड अबाउट इक्विपमेंट गोइंग आउट ऑफ डेट. कि हमारे आउट ऑफ डेट कौन से इक्विपमेंट जा रहे हैं, हमारे इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेटेड है नहीं है, ये भी हम जो है ना इसके बारे में भी वारिड नहीं होते. एंड अदर प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद सिस्टम सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी. तो ये भी एक एडवांटेज है कि हम इसके बारे में भी हमें कोई कंसर्न नहीं होता अबाउट सिस्टम सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी. हम रिलैक्स होके इंटरनेट कनेक्शन के साथ जब हमें जो डेटा चाहिए हम इंटरनेट कनेक्शन के साथ एक्सेस कर सकते हैं. जस्ट लाइक ऑन यूट्यूब, गूगल या जितनी भी ऑनलाइन फैसिलिटीज हमें इंटरनेट के जरिए प्रोवाइड की जाती हैं. डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? दैट इज द रिक्वायर्स अ रिलायबल हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन फंक्शनिंग द होल टाइम यू आर वर्किंग. क्योंकि जब भी आप काम कर रहे हो तो आपको एक ब्रॉडबैंड का हाई स्पीड कनेक्शन चाहिए. अगर आप YouTube पे काम कर रहे हो, आप Google पे काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको एक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए. दैट्स ऑल. अनदर डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इज द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिस्क ऑफ हैविंग वैल्यूएबल डेटा. हैविंग वैल्यूएबल डेटा ऑन समवन एल्स सिस्टम इज एन अननोन लोकेशन. दूसरा सिक्योरिटी थ्रेट ये है कि आपकी अगर सेंसिटिव डेटा है किसी अननोन लोकेशन पे पड़ी है, जैसे हमारी ईमेल्स हैं, हमारे जो तमाम अकाउंट्स में डेटा होती है, हमारी गूगल ड्राइव में डेटा पड़ी है, तो ये प्राइवेसी इशू है. लेकिन आजकल जो तमाम सिक्योरिटी मेजर्स हैं, गूगल ने बहुत अच्छे सिक्योरिटी मेजर्स उनके हैं, तो हमें इस तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है. लेकिन डिसएडवांटेज में ये बताया गया है, तो एक तो आपको हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए और दूसरे कि आपकी इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल जो इन्फॉर्मेशन है किसी और लोकेशन पे पड़ी है. जस्ट लाइक गूगल ड्राइव ने आपने सेंसिटिव डेटा रख दी है तो वो आपकी किसी और लोकेशन पे पड़ी है. ठीक है, और मतलब कि हमारी ईमेल्स में हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, किसी और लोकेशन पे पड़ी हुई है. तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. तो स्टूडेंट्स, जो भी हम ऑनलाइन सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग में आ जाती हैं. लास्ट में है डेटा सेंटर्स. डेटा सेंटर इज अ सेंट्रलाइज्ड लोकेशन फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा. तो उनका कोई एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन होता है जहां पर डेटा को कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उन पर प्रोसेसिंग की जाती है एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है ऑफ डेटा. उसमें कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं, डेटा सेंटर में कौन सी डिवाइसेस होते हैं जहां पर हमारी डेटा स्टोर होती है? दैट मेट बी सर्वर्स, राउटर्स जिनके जरिए डेटा कम्युनिकेट होती है, स्विचेस,
एंड बैकअप इक्विपमेंट, जिनके अंदर उन डेटास का बैकअप होता है। तो सर्वर्स होते हैं, राउटर्स, कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, स्विचेस एंड बैकअप इक्विपमेंट। और फैसिलिटीज कौन सी होती है डेटा सेंटर में? एयर कंडीशनिंग, फायर सप्रेशन, स्मोक डिटेक्शन एंड सिक्योरिटी एंट्री, तो हर एक को वहां पर एक्सेस ना हो। इट मे बी हाउस्ड इन अ रूम, फॉर एग्जाम्पल ये कहां पर लोकेटेड होती है, इन अ रूम आर इन एंटायर बिल्डिंग आर अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। ऑर्गेनाइजेशन सच एज गवर्नमेंट एजेंसीज, बैंक्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज एंड सोशल नेटवर्किंग सर्विसेस यूज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड दस हैव रिक्वायरमेंट फॉर डेटा सेंटर्स। मेन रिक्वायरमेंट इन एजेंसीज की, इन कंपनीज की होती है। मेनी कंपनीज आर मूविंग दियर डेटा सेंटर्स टू क्लाउड सर्विसेस टू कट द कॉस्ट ऑफ रनिंग दियर ओन कंप्यूटिंग नेटवर्क्स। जैसे हमने क्लाउड कंप्यूटिंग पे पढ़ा के उसको, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या उसकी फायदा क्या था कि उसके लिए आपको कोई कॉम्प्लेक्स किस्म का सिस्टम परचेज नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है, जस्ट लाइक एग्जांपल दिया गूगल का, यूट्यूब का या जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज है, दे आर मूविंग दियर डेटा सेंटर्स टू क्लाउड सर्विसेज टू कट द कॉस्ट ऑफ रनिंग दियर ओन कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड सर्वर्स। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, मॉडर्न यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन टूडेज लाइफ। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।